फॉलो अप करने अप्लाई सुमित की अप्लाई भी कोचिंग नहीं निकाल पाया, उसका चेहरा बुझ गया। अब लगा जैसे 100 जूता खाया हो, अब लगा जैसे उसकी दुनिया लुट गई हो, अब मजनू की तरह देखने लगा। अपना हंसना आ रहा है न रोना आ रहा है, एकदम बुझा सा चेहरा लेके बैठा है और गाड़ी चली जा रही है और मैं डांस कर रहा हूँ लेकिन वो बेचारा, अब मैं आगे देख रहा हूँ जिस सूरत पर क्या असर कर रहा है राइट। तो मैंने कहा है थोड़ा मस्ती करो ना, थोड़ा मस्ती करो ना, फिर दूसरा गाना लगा दिया, कोई कहे कहता रहे, फिर तीसरा लगा दिया, तेरी ऊंची शान है मौला। थोड़ी देर बाद इसके चेहरे पे धीरे धीरे, मैंने यह प्रोसेस तब तक बंद नहीं किया जब तक उसके चेहरे से मास वो जो हताशा और निराशा घिरा था ना उसके चेहरे से हटा नहीं। यानी आज के बाद आपको यह देखना है कि अगर आपकी टीम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं और आप थ्रिटरास की तरह एक देख रहे हो तो आपका टीम पनपेगा नहीं। आपसे जब टीम मिले, टीम रोते हुए आए और उस टीम को हंसाते हुए भोजो, तब दुनिया को सलूट करेगी। ये स्किल लानी पड़ेगी, ये क्वालिटी लानी पड़ेगी, ये लीडरशिप लानी पड़ेगी। आर यू रेडी? आर यू रेडी? और आज के बाद याद रखना कि दुनिया में अगर कोई हरा सकता है आपको तो सिर्फ आप खुद। आज के बाद अपने अंदर की सोच को मजबूत करो, अपने विश्वास को मजबूत करो। आर यू रेडी? सुमाइलियर प्रॉस्पेक्ट को इस तरह आरामदेह माहौल में रखना, उसकी प्रशंसा करनी है। अरे शंकर, आज तो बड़ा खूबसूरत यार वेस्टकोट पहना, बड़ा अच्छा आपके ऊपर शर्ट लग रहा। अरे आज क्या बात है भाई, चेहरे पे बड़ी चमक है, कुछ खा? और इस तरह दो क्लोजिंग मारी है। हेलो, जब सेल आता है ना तो चेहरा खिल जाता है जैसे सूरज उगाया हो चेहरे, समझ में आया? और जब क्लोजिंग नहीं मिलती ना तो पूछो ना फिर, समझ में आ रहा? हेलो हेलो, सच बोल रहा हूं? अब आप सोच रहे हो कि बिना सिर्फ मेरे मन की बात आप कैसे जानते हैं, आप कैसे पता कि मेरे दिल पे बीत रही है। एक बात समझ लो, हमारे बुजुर्गों ने कहावत बताई थी, आपको बताया होगा कि नानी के सामने ननियोरे का बखान नहीं करना चाहिए, समझ में आया कि नहीं? अर्थात नानी के सामने ननिहाल का प्रशंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नानी को सब पता होता है। तो जिस विनय मिश्रा से बात कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो और जो दिक्कतें आप फेस कर रहे हो, उन्हीं दिक्कतों को फेस करके हम आज यहां पहुंचे हैं। और अगर आपने भी फेस किया तो 100% आप भी यहां पर पहुंचेंगे, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई डिबेट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई अविश्वास नहीं। यू नो, तो आपको यह समझना है कि आप अपनी टीम की प्रशंसा करेंगे, आप अपने प्रॉस्पेक्ट की प्रशंसा। अब आपको कहोगे सर क्या प्रशंसा करें, उसका घर तो खंडहर है, कपड़े फटे हुए हैं, बच्चों के पास तो अंडरवियर भी नहीं है, नंगे दौड़ रहे हैं, क्या प्रशंसा करो? करिए, अरे वाह बहुत प्यारे बच्चे हैं, सूट पहने हो फिक्र मत करना, मिट्टी में लपेटे है लड़का, लेके भर जाना गोद में, 21 मार देना, अब काम बन गया। दुनिया के हर माता पिता को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है, और अगर आप किसी के बच्चे को इज्जत देना, आपकी इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी, मेरा आपसे कमिटमेंट। तो प्रशंसा हम उसके बच्चे से भी कर सकते हैं, मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं। हेलो, सुन रहा है? बहुत क्वीट बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, राइट? भगवान ऐसे सबको दे, मैं भी कल्पना कर रहा हूं कल जब मैं पापा बनूंगा ना, ऐसे ही बच्चा चाहिए। अभी देखो, अब आप बोलो माय लाइफ क्या सब जा रहा, बताओ फर्ज मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, प्रशंसा किसका?
प्रॉस्पेक्ट का, अपनी टीम का, अपने अपलाइन का, ये जिंदगी का हिस्सा बनाना है आज से। आज से आपको अपनी जिंदगी में प्रशंसा की पीएचडी करनी है। कर सकते हैं क्या? सुनाई नहीं दिया? और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपको करोड़पति बनना है तो। और एक बात याद रखना, अगर मैं कुछ गलत सिखा रहा हूं तो मत करो, और अगर मैं आपको अच्छा सिखा रहा हूं, सच में आप करोड़पति बनना चाहते हो तो जितने करोड़पति से मिलोगे वो ऐसे ही हैं। कल वो नहीं थे, करोड़पति थे, लेकिन आज वो करोड़पति बने क्योंकि इसको अपनाया उन्होंने। किसी भी कामयाब लीडर से मिलोगे वो आपके साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे, किसी भी कामयाब लीडर से मिलोगे वो ऐसा ही बिहेव करेंगे। वो कभी आपके मन में हीन भावना नहीं आने देंगे, वो कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। आप होंगे फिर भी वो आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपके स्वाभिमान को उठाएंगे, आपके स्वाभिमान को ठेस। और जो लीडर स्वाभिमान को ठेस लगाता है, याद रखना वो स्वार्थी, वो खुदगर्ज, वो एहसान फरामोश, उसके लिए सिर्फ धंधा है, इमोशन नाम की कोई चीज नहीं है। सेल आया तो बड़ा इज्जत, सेल नहीं है तो कोई इज्जत, कोई कॉलिंग नहीं, कोई बात नहीं। माय डियर फ्रेंड, आज मैं वो बता रहा हूं जो रिच लोग करते हैं, जो कामयाब लीडर करते हैं। मैं आज आपके सामने वो फिलॉसफी लेके आया हूं जिसे विनय मिश्र ने अपनी जिंदगी में पल पल हमेशा इस्तेमाल किया। दरवाजे खुले छोड़े आप, जब भी आप जाएं कोई आपको मना कर दे तो आप उससे नाराज ना हो, आप उससे रूठे नहीं। कुछ लोग करते, अभी अभी इसका फोन में डिलीट करता हूं, पहले नंबर से आज से ब्लॉक करता हूं, इससे कोई मेरा रिश्ता नहीं। प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरे घर में लोगों से सालों से रिश्ते बने हुए हैं। अब सिलसिला ये शुरू हो गया है कि लोग स्वयं फोन करके कहने लगे हैं कि हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, और इस दिन का मुझे इंतजार था। यह सिलसिला इसलिए हुआ माय डियर, क्योंकि आज 16 वर्षों से वो हमें तरक्की पर बढ़ते हुए देख रहे हैं। अभी मेरे सगे संबंधी इस बिजनेस से दूर थे, अब मेरे सगे संबंधी इस बिजनेस में आपको दिखेंगे और भीड़ लगेगी कि मेरा भला है, मेरा भला है, मेरा भला है, मेरा भला है। इसका मतलब है दोस्तों, इस संसार में हर कोई आपके साथ चलता है, लेकिन उगते सूरज को सारा संसार नमस्कार करता है। आपको उगता सूरज बनना है, इस सिस्टम पर विश्वास करना है। और आपको बताना चाहता हूं कि दरवाजे हमेशा जब खोलकर आप चलोगे तो जीवन में याद रखना है कि मोतियों की खोज करिए। जब आप किसी से बात करिए तो आप ये जज करिए कि वो आपके काम का आदमी है कि नहीं। अगर वो आपके काम का नहीं है तो उसको इस बिजनेस में मत लाइए, वरना वो आपको इस बिजनेस में बदनाम करेगा, आपकी चौराहे पर बैठ बैठ के निंदा करेगा। आप सिर्फ 500 की सोच के साथ इस बिजनेस की शुरुआत मत करिए। इस बिजनेस में टीम बनाइए, टीम। इस बिजनेस में अपना डुप्लीकेट ढूंढिए, डुप्लीकेट। इस बिजनेस में आप ऐसे लोगों को लाइए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रखते हैं, जो अपने जीवन में बहुत आगे जाने की चाहत रखते हैं। प्रिय साथियों, इसलिए यहां पे कहा गया है कि मोतियों की खोज करना है आपको। मोतियों की खोज का मतलब समझ गए? जो फिश होता है ना, समुद्री मछली, स्टार मछली, जिसमें वो मोती मिलती है, उसके उस मुंह को खोल कर देखते हैं सीप को। तो आपको कैसे खोलना है सीप के मुंह को, अभी मैं दिखाता हूं। और जीवन में याद रखना, जब ये जाए, आप इसके पास आए हंसते हुए, और जब आप जाए तो हंसता ही रहे, और इसे कहिए धन्यवाद। जब आप चाहें मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं दिया तो हाय तो हंसते थे, लेकिन जब जा रहे चलते हैं, जय महाराज, अरे यार उसने क्या लूट लिया भाई। अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा है, या वो नहीं समझा, या स्टार्टअप नहीं किया, तो ये उसकी प्रॉब्लम। आप क्या लूट लिया उस इंसान, जो आप इतने हताश और निराश हो गए। जब हमारे साथ कोई नहीं आता था तो दिमाग को मैं ये मैसेज देता था
इसमें पूर्व जन्मों में कुछ कुकर्म किए हैं, अभी इसका पाप धुला नहीं है, अभी इसको भटकना लिखा है। मैं कितना भी इसको अमृत पिला दूं, अमृत पी नहीं सकता है। और ऐसा पॉजिटिव कमांड खुद को देता था कि जब इसका पाप धुलेगा तभी से बिजनेस समझ में आएगा, वरना ये भी भटकती आत्मा की तरह भटकेगा। भगवान इसका भला करे। जय माला कृष्ण। उसके लिए बदुआ नहीं देना, भगवान इसका भला करे। जय माला कृष्ण। और आप देखना, जब हंसते हुए गए और हंसते हुए निकले तो आपके बारे में सोचना शुरू कर दो। आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूं, कभी कोई बंदा आपसे जब निगेटिव बात करे इस बिजनेस में तो आप गुस्सा आती है कि नहीं आती? आती है कि नहीं? जब कोई आपको निगेटिव बात करे कंपनी सिस्टम के लिए तो आपको मुस्कुराना है, गुस्सा नहीं करना है। आपको एक जादू सिखा रहा हूं, जब आप मुस्कुराओगे ना तो आप देखना अब वो गुस्सा करेगा, और आप जितना मुस्कुराओगे वो उतना छल्लाएगा, क्योंकि वो आपको भड़काना चाहता था और आप भड़क। और इससे दो फायदा होता है, जब आप मुस्कुराते हो तो आपका माइंड कूल होता है और उसका सटीक आंसर बताता है, और जब आप उलझते हो तो आपका आंसर आपके दिमाग से चला जाता है, क्योंकि ब्रह्म शांति पे ही काम करता है, वरना अशांति आने पे उलझा देता है। तो अशांति मत करना वरना यह उलझा देगा, सुलझाएगा नहीं। दूसरा, जब स्माइल करते हो तो सामने वाले का ब्रेन हम हाई कर लेते हैं, जब मुस्कुराते हैं तो हमको